हेलो दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं डीमार्ट के बारे में। जैसा कि आपने देखा दोस्तों, हाँ, डीमार्ट और गिर सकता है, ये मेरा मानना है, जो कि मेरी ओपिनियन हो सकती है, मेरी राय हो सकते हैं। प्लीज़ जो है कि आप इसको जो है वीडियो को ब्लाइंडली कॉपी मत करना, आपका अपना डिसीजन अलग होना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम फटाफट जो है कि स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं डीमार्ट के ऊपर। सबसे पहले इनके कुछ हम ओवरव्यू को देखेंगे, फिर डिस्कस भी साथ साथ करते जाएंगे। देखिए जो है, 2,61,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, 4,000 का करंट प्राइस चल रहा है, 5,600-6,000 के आसपास जो है कि इनका हाई था, जो कि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे बाइंग करके जो है फंस चुके हैं। चलिए हम सब कुछ डिस्कस कर लेंगे, करना क्या चाहिए और करना अभी जिनके पास भी है उनको भी क्या करना चाहिए, जिनको बाइंग करना है उसके बारे में डिस्कस। देखिए 177 का इनका जो है कि पी है, बुक वैल्यू 196 का है, डिविडेंड कंपनी कुछ भी पे नहीं करती। देखिए वो अपना फोकस नहीं होना चाहिए। 12 का इनका आरओसी है और कंपनी जो है कि आरओई जो है 9.5% बोले तो 9.5% के आसपास है। 10 का जो है फेस वैल्यू है। देखिए दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, देखिए कंपनी तो अपने सेक्टर में जो है कि नंबर एक पे पोजीशन होल्ड किया, नंबर एक पे जो है कि रिटेल चेन में इनका नंबर एक पे आता है बिजनेस। दूसरे नंबर पे दोस्तों जो है कि रिलायंस, दूसरे नंबर पे क्या दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं जो इनका रिजल्ट था रिलायंस का, इस बार का कुछ अच्छा ही था, जो कि अच्छा ही था। मतलब इस हिसाब से देखिए, अभी उनका क्या है कि सेगमेंट वाइज में रिजल्ट देखा गया तो जो है कि रिलायंस का कुछ डीमार्ट से बेटर था, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए अभी आपको जिनको अभी समझ लीजिए बाइंग करना है, उनके लिए हम बताना चाहते हैं, प्लीज़ इसको जो है कि आप एक बार इनके Q4 के रिजल्ट आ जाने दीजिए, फिर आप जाके वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। प्लीज़ दूसरी चीज़ आपको हम बताना चाहते हैं, पॉइंट नंबर 2 के बारे में आपको बताना चाहते हैं। देखिए रिलायंस भी बुरा स्टॉक नहीं है, रिलायंस जो है कि उनका भी रिलायंस भी जो है टक्कर में है, टक्कर में मतलब अच्छा खासा इनका कंपटीटर है, अच्छा खासा वो भी बिजनेस जो है करता है, रिटेल चेन उनका भी अच्छा खासा ही चलता है, रेवेन्यू जनरेट करता है और नेट प्रॉफिट है, सब कुछ उनका अच्छा खासा ही है, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए अभी आपके पास 2 ऑप्शन है, रिलायंस और ये। देखिए रिलायंस को हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं, देखिए रिलायंस अभी तक जो है कि उनका स्प्लिट नहीं हुआ है और उसमें इतना तेज़ी भी नहीं है, तो देखिए तेज़ी इनमें अगर फास्ट वे में आपको रिटर्न चाहिए, नो डाउट अगर फास्ट वे में आपको रिटर्न चाहिए तो हम तो कहेंगे डीमार्ट पहले नंबर पे रख दीजिए। हाँ, पहला हो या दूसरा हो, आपको दोनों कंपनी जो है होल्ड करना है। और देखिए रिजल्ट कितने भी इनके ख़राब आ जाए, देखिए दोस्तों हम इतना ही कहना चाहते हैं, गिरावट का पीछे का कारण यही है कि इनसे क्या है कि ओवर एक्सपेक्ट रखा जाता है, इसलिए जो है कि यहाँ पे गिरावट हो सकती है। इसलिए जिनको भी बाइंग करना है, अभी लग रहा है कि उनको दोबारा 4,000 पे नहीं मिलेगा, 39 पे नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम उनसे यही कहना चाहते हैं, प्लीज़ जो है कि आप जो है कि Q4 के रिजल्ट देखने के बाद ही आप डिसीजन लें अपना, जिनको ओरिजिन करना है उनके लिए भी। चलिए एक बार इनके जो है कि हम ओवरव्यू पे ऐसे ही कुछ देख लेते हैं फॉर्मेटिव फॉर्म में। चलिए एक बार इनके हम नेट प्रॉफिट को देख लेते हैं क्वार्टरली। देखिए दोस्तों, कंपनी जो है नंबर एक पे आती है, दूसरे पर ट्रेंड है, वेदांता फैशन, ये सब अपना फोकस नहीं होना चाहिए। मार्च 2019 से इनका हम क्वार्टर रिजल्ट देख रहे हैं। देखिए नेट प्रॉफिट इनका 192, 323, 323, फिर 384, फिर 271, फिर देखिए कंपनी लॉकडाउन में जैसा मतलब कि 40 करोड़ के आसपास, फिर 199, फिर देखिए कंपनी ने कमबैक किया, अच्छा किया, फिर डाउन, फिर कंपनी डाउन जो है कि फिर 418 करोड़, फिर देखिए 500 करोड़। देखिए कंपनी का जो है कि अभी तक का परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट को हम आपको कहते हैं कि इतना बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स है। अगर आप कभी कोई महीने का काम देखने जाए, अगर हम तो देखिए हम लोग तो क्या इंडिविजुअल में देखते हैं, पर्सन में अगर कोई एक महीने में किसी को अगर कोई टारगेट दे दिया जाए तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, अगर वही लॉन्ग टर्म में दे दिया जाए तो एक साल में अच्छा खासा काम करके देगा अपने को। चलिए हम इनके पैनल पे आ जाते हैं। देखिए इनके पैनल को हम 2012 से देखेंगे जो है, मार्च 2012 से। देखिए सेल सबसे पहले देख लेते हैं, 2200, 3300, 4600, 8000, 11000, 15000, 20000, 24000, 800। देखिए जो है ये कोविड पीरियड था जो है कि यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ, उसके बाद कंपनी ने कमबैक किया, सीधा जो है कि 29000 को बीट कर गया। देखिए दोस्तों इनके उसी फॉर्म में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 138, 215, 341, 456, 664, 969, फिर 1300, 1350, 1600, 2100, 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
जो है कंपनी ने कम बैक किया। देखिए दोस्तों, गिरावट के पीछे का यही कारण हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए अभी गिर सकता है, प्लीज़ जो है कि आप इसके एक बार क्वार्टर फोर के रिजल्ट देखने के बाद ही आप चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। प्लीज़ जो है आप इसको ब्लाइंडली जाना मत अभी कॉपी करने के लिए, वीडियो को हमारे कॉपी मत करना, आप जा करके बाइंग करने मत जाना। देखिए उनके नेट प्रॉफिट भी 60, 94, 161, 212, 320, 400, 800, 900, 1300 देखिए यहाँ थोड़ा सा डाउन हुआ, उसके बाद कंपनी ने कमबैक करी है। देखिए हम इतना ही बताते हैं, इनसे क्या है कि बड़ी कंपनियाँ हैं इसलिए इनसे ओवर एक्सपेक्ट रखा जाता है, इसलिए जो है कि ये फुलफिल कभी क्या है नहीं करती, थोड़ी बहुत डाउन हो जाती है। देखिए
हम आपको इतना ही बताएंगे कि जितना गिरे आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं, लेकिन आपकी मर्जी। हाँ, एक चीज़ देखना, आपकी लॉन्ग टाइम के लिए जाना, अभी शॉर्ट टाइम में जाना। जिन्होंने 5500 का बाइंग किया है आज वो पछता रहे होंगे, क्योंकि क्या है, शॉर्ट टाइम में, लॉन्ग टाइम में आपको अच्छा ही गेन करके देगा, हम इतना ही कहना चाहते हैं। देखिए, कंपनी के पास जो है कि 12000 करोड़ का मार्केट कैप है, 510 का इनके पास बोरिंग है, जो कि आज से नहीं कितने सालों से क्या थोड़ा बहुत इनके पास बोरिंग, जो कि ऑलमोस्ट डेट फ्री ही माने जाते हैं। देखिए दोस्तों, कंपनी के पास 75% का जो है कि प्रमोटर ही स्टेक को होल्ड करते हैं। FIs जो है, FIs देखिए इसमें भी सेलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि सारे स्टॉक में सेलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। DIs ने जो है कि माल को जो है DIs ने भी कुछ बेच दिया है, और पब्लिक ने भी, दोस्तों पब्लिक ने कुछ माल को जो है कि एक्यूमुलेट किया है। तो कोई बात नहीं, बुरा स्टॉक नहीं, हम आपको इतना ही कहना चाहते हैं। प्लीज़ जो है कि जितना भी गिरे आपको डरना नहीं है, आपको जो है प्लीज़ आप Q4 के रिजल्ट देख के एक बार फिर डिसीजन ले लेना, जिनको भी बाइंग करना है। जिनको ओरिजिन, जिन्होंने हाई लेवल पे खरीद लिया है, वो चाहे तो ओरिजिन कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उनके अंदर प्लीज़ हम आपको इतना ही कहना चाहते हैं, पेशेंस लेवल होना चाहिए। चलिए हम एक बार इसके चार्ट पे आके डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम आ गए ONE सुपरमार्ट के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डीमार्ट जो है कि, चलिए देखिए इनके एक बार हम चार्ट को देख लेते हैं। देखिए आज के दिन तो कंपनी जो है कि 1% जो है तेज है, तो कोई इतना तेज अपना 1% कोई फोकस नहीं होना चाहिए। गैप अप ओपनिंग ही हुआ है, कल जो है कि 3973 बोले 4000 के नीचे कल कंपनी जो है कि बंद हुई थी, क्लोज हुई थी। आज जो है इनका, चलिए हम एक बार जो है कि चार्ट को देख लेते हैं। देखिए पाँच दिन में कंपनी में गिरावट ही है। देखिए यहाँ से आप इतना ही देख लीजिए, जो है कंपनी ने 3973 का जो है कल के दिन ही जो है लो लगाया था, मतलब 5 दिन में एक महीने में जो है 7.5% के आसपास जो है कि कंपनी डाउन है। देखिए एक महीने का चार्ट इनका जो है कि इतना ज़्यादा डाउन नहीं, हम तो इतना नहीं कह सकते। 6 महीने का एक बार देख लेते हैं, 6 महीने में जो है कि 5.5% के आसपास जो है कि देख लीजिए, इतना ज़्यादा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहते, देखिए कंपनी का जो है अच्छा खासा ही चार्ट है। देखिए दोस्तों, कंपनी ने जो है कि 40% का रिटर्न एक साल में बना के दिया है। देखिए आपको इतना ही बताना चाहते, देखिए जिन्होंने अभी जस्ट आपको यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं, जिन्होंने यहाँ पे अभी तक बाइंग किया है, ये रहा कितने तारीख की डेट में जो है कि अक्टूबर में जिन्होंने बाइंग किया है, उनका जो है कि देखिए वो आज परेशान है। तो मैं आपको बताना चाहते हैं, आप परेशान मत हो, किसी बुरे स्टॉक में नहीं हो। प्लीज़ आप जो है कि गिरावट में जो है एक्यूमुलेट कीजिए। 5 साल का इसका रिटर्न देख रहे हैं, 5 साल में जो है कि 500-600% का जो है रिटर्न गिरावट के बाद, नहीं तो 600-700% जो है कि था इसका। एक बार इसका मैक्सिमम देख लेते हैं, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न जो है कि मैक्सिमम में भी 550% का रिटर्न है, जो कि देखिए कंपनी भी जस्ट अभी 2017 में ही आई हुई है, जो कि 550% जो है बुरा नहीं। हम आपको इतना ही कहना चाहते हैं, जिनके पास भी है वो होल्ड करे, और गिरावट के पीछे का हम आपको कारण बताना चाहते हैं। देखिए गिरावट, प्लीज़ इनके जो एक बार Q4 के रिजल्ट आप देख ले, फिर जो है कि आप डिसीजन लेना। क्या है कि इनसे जो है कि ऊपर एक्सपेक्ट रखा जाता है, इसलिए जो है कि इसमें गिरावट हो सकती है। चलिए दोस्तों, और जिनको बाइंग करना है, हम आपको कहना चाहते हैं एक बार Q4 के रिजल्ट देख लेना। और ओरिजिन जिनको करना है, वो ओरिजिन चाहे तो इक्का दुक्का स्टॉक उठाते रहें, फिर उसके बाद Q4 के रिजल्ट आप देख करके डिसीजन ले लेना। प्लीज़ जिन्होंने हाई लेवल पर खरीदा है उनके लिए बताना चाहते हैं, प्लीज़ आप लॉस में मत बेचना, जो है अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टाइम में आपको जो है कि रिटर्न बना के देगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अभी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।